नहीं सही मेरे। अभी 10 मिनट का रास्ता रहेगा पीपल फार्म का, हम पहुंचने वाले हैं। तो बस जी ये हमारे लास्ट टाइम में लगे, एक्चुअली हम रेस्क्यू करते थे तो यहाँ पे बैठे थे, और जैसे जो बड़े लार्ज एनिमल्स हो गए, गाय हो गए, बैल हो गए, इनका इलाज करके फिर इनको वापस रिलीज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जगह इतनी है नहीं कि सबको रख पाएगा। जो घोड़े वगैरह है घोड़ों को हमने अपने पास परमानेंटली रखा हुआ है। फिर इसके अलावा ये बेटी जी हमारी परमानेंट है, रेजिडेंट। ये फिर संजू बाबा हमारे परमानेंट है, उनको हम बस चुपचाप फिर रिलीज कर देते हैं शांति से जहाँ से वो आए थे। तो हमारे वो वाले डॉग्स रहते हैं जो अभी अभी आए हैं, बीमार है एकदम। हाँ जी, तो जामुन बहुत शोर करता है। ये ज्योति है, ज्योति एनिमल वेलफेयर मैनेजर है। तो ये पूरा हमारा एनिमल सारे रेस्क्यूज वगैरह, बाकी हमारी टीम है, मैं सबसे आपको मिलाऊंगी बारी बारी, कौन कौन आया कौन कौन नहीं वो देख लेते हैं। अभी अभी भी शुरू हुए हम आज सुबह। तो बाकी ऐसे कि ये सारे हमारे जो हम डॉग्स को लेके आते हैं जब वो फर्स्ट स्टेज में बीमार वगैरह होते हैं, तो ये आर कैनल रूम के लिए, तो पहले ये यहीं पे आते हैं, यहाँ इनकी ट्रीटमेंट वगैरह होती रहती है, फिर थोड़े से बेहतर हो जाते हैं ये जब ठीक हो जाते हैं अपनी कंडीशन से, फिर इनको हम एस कैनल में शिफ्ट करते हैं इनकी नसबंदी करने के बाद। तो क्योंकि एक दो हफ्ते नसबंदी के बाद मतलब इनको लगता है थोड़ा रेस्ट वगैरह करके। ये राधा दीदी है, दीदी हमारी पैरावेट है। ये सभी रेस्क्यू से गौ सेवा परिवार से आए, गौ सेवा परिवार पंजाब। अच्छा। हाँ, तो इनका अपना वेटनरी हॉस्पिटल भी है, ये लोग रेस्क्यू करते हैं, हमारे जैसे ही काम करते हैं मतलब। हाँ, तो वो दिनेश भैया है हमारे, वो भी हमारे एनिमल एरिया टीम के मेम्बर हैं, और साहिल भैया से भी मैं आपको मिलाऊँगी, मेरे को दिखेंगे तो पता नहीं आए कि नहीं आए अभी तक वो। हाँ जी, बाकी ये एस कैनल हैं, ये सारे ये तरबूज है जो वापस आ रहा है बेचारा, तो ये दूसरी बार हमारे पास वापस आया है, तो अभी एक दुखी सा बैठा हुआ है। ये परसों है? हाँ जी, हाँ जी, परसों आया है ना। ऐसा है, अब पता नहीं, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बात बनी है। तो अडॉप्शन के टाइम कर लेते हैं कि अच्छा ब्रीड डॉग है हम अडॉप्ट कर लेते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लोग। ये तो थोड़ा आगे सोच के चलना चाहिए कि अगर कल को जॉब कहीं और कर रहे हैं तो क्या करेंगे डॉग का, तो वो है। पर चलो क्या बोले हम, इसकी एज भी काफ़ी है, इसकी एज हाँ जी है, ये मतलब 10-11 साल का तो अब होगा ये। ये हमारे बड़े हमारे पास जी दो परमानेंट डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हिमांशु है और एक डॉक्टर गुलशन है, परमानेंट है दोनों ना। तो फिर ऐसे कि बीच बीच में एक एक को कोई छुट्टी भी लेनी हो तो एक तो चाहिए। तो जैसे डॉक्टर गुलशन है, डॉक्टर गुलशन हमारे फ़ोन पे भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे अब रेस्क्यू तो चलो हम लोग कर लेते हैं 8 किलोमीटर के रेडियस में, लेकिन कई लोग ऐसे दूर दूर से जिनको मतलब अचानक से किसी एनिमल के बारे में पूछना है, पेट के बारे में, गाय के बारे में पूछना है, वो फ़ोन पे फिर थोड़ी बहुत सुझाव ले लेते हैं। ये हमारे साहिल भाई हैं, ये रेस्क्यू हीरो हैं हमारे, तो रेस्क्यू वगैरह यही करते हैं। ये गौ सेवा परिवार से आए हैं, हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी ना, रेस्क्यू करते हैं, स्कूल टाइम से ही रेस्क्यू कर रहे हैं, पानी वानी पिला देते हैं पहले गाय को, फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना वेटनरी हॉस्पिटल खोला हुआ है। एक भी ना आप गन टाइप कुछ यूज करते होते हो, वो क्या चीज होती है जी? डार्ट गन। अच्छा भैया, उसका मतलब कि क्या है यूज?
जैसे कि कोई जानवर बड़ा जानवर पकड़ में नहीं आ रहा है जी। तो उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए तो पूरा भी होश भी नहीं होता तो थोड़ा सा शांत करने ताकि वो पकड़ में आ जाए और रेस्क्यू हो जाए आसानी से। ठीक है जी। जैसे कोई बैल है बहुत बड़ा नहीं पकड़ में आते आसानी से। ऑनलाइन अवेलेबल रहती है जी भैया? वैसे तो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ये प्रेशराइज्ड ब्लो पाइप है ना तो इसका लाइसेंस नहीं होता, डार्क का लाइसेंस चाहिए होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ही होती है ये तो। ये प्रेशराइज्ड ब्लो पाइप है ना तो ये विदाउट लाइसेंस में चल पड़ती है। ठीक है जी। डार्क गन का लाइसेंस चाहिए होता है वो तो फॉरेस्ट वालों के पास ही होता है। ज्यादा दिक्कत आती है हमारे जैसे बाजार में जाते हैं। आप भी ये परचेज कर सकते हैं, आप दिखा सकते हमारे साथ। गौ सेवा परिवार की पूरी टीम आई है आज रामपुरा से। नमस्ते जी। नमस्ते। और साथ में साहिल भैया है, डॉक्टर हिमांशु है। तो हम सारे डार्ट गन का उपयोग सीख रहे हैं। अपना वेटनरी हॉस्पिटल तैयार किया है। कहाँ पे? पंजाब। पंजाब हाँ, राजपुरा करके एक जगह है। रामपुरा एक राजपुरा भी है ना, वो चंडीगढ़ के पास में ही है। रामपुरा। तो आप सभी लोग एक साथ शुरू किए थे? हाँ जी हाँ। सब स्कूल फ्रेंड्स थे। ओके ओके। हाँ जी। तो और स्कूल टाइम से इन्होंने शुरू किया हुआ था और अभी तक इनके पास वेटनरी हॉस्पिटल है। बड़े सारे जानवर बचाते हैं ये भी। तो स्पेशली गाय के लिए करते हैं या और भी? नहीं नहीं, डॉग वगैरह भी आप करते हैं? सभी एनिमल है जी, सभी एनिमल। कैमल भी है, कैमल का मतलब कैमल आ जाता है उसका भी ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे डॉग आ गया, जैसे कबूतर वगैरह कोई जख्मी हो जाए उसके लिए पिंजरा लगा रखा है। सारे जानवर मतलब हमारी तरह ही करते हैं, जो भी जानवर मिल जाए ठीक करने के लिए। बहुत बढ़िया लगा। तो ये भाई भी हमारे दिल्ली से है, इन्होंने एज अ वॉलंटियर हमारे साथ ज्वाइन किया था, फिर ये हमारे पास ही रुक गए, सेवा में मन लग गया इनका भी। और ये जी हमारी एक ना बड़ी वाली जो गाय बैल वगैरह के लिए ये गाड़ी है रेस्क्यू की, फिर छोटी एक और हमारे पास गाड़ी है डॉग। इसमें आप उसको साहिल भैया वगैरह ये सब देखते हैं ये लोड कैसे करते हैं, क्योंकि फील्ड पे तो यही लोग काम करते हैं रेस्क्यू करने का ना। काम होने से लेके मरने तक मतलब अपनी जीने के लिए जो भी करते हैं उसके लिए हम किसी ना किसी वे में किसी और को दुख पहुंचाते हैं, मतलब किसी कीड़े को भी पहुंचा सकते हैं। तो हाँ मौसम में गुंडों वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चाहे हम नॉन वेजिटेरियन नहीं भी हो, हम वेजिटेरियन भी हो, वीगन भी हो चाहे हम, लेकिन अगर हम खुदाई भी करें उसमें भी कोई ना कोई कीड़ा मर रहा है। तो जितना हम लोग माइंडफुल रह सकते हैं इस चीज़ का हम रह लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अब गोबर तो हमारे पास ढेर सारा है, तो हम उसका मैन्योर सा बना लेते हैं, कंपोस्ट वगैरह करते हैं। जो हमारी फार्मिंग टीम है वो लोग इसका ध्यान रखते हैं, गोबर वगैरह ऐसे करके एक मैन्योर सा तैयार कर लेते हैं, कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं वो खुदाई किए बिना वो ऊपर ऊपर ही बिछाते जाते हैं, ऊपर ऊपर बिछा उसके हाँ, उसमें फिर बीज लगा देते हैं और उसके ऊपर ना गत्ते को काट काट के इनका थोड़ा सा वो रहता है क्राफ्ट वगैरह करके वो लगा देते हैं ताकि वीड ना उगे, एक्स्ट्रा घास वास ना उगे। इस तरह से हमारी फार्मिंग चलती है जी। तो हम लोग मतलब कोशिश करते हैं कि जितना हम अंदर से ही अपना गुजारा कर सकें। ये कि हमारा ना डॉग ट्रेनिंग एरिया है, तो यहाँ पे जैसे हमारी एक एनरिचमेंट टीम है। आज तो मतलब अभी कुछ दिन से ना वो घर गई हुई है लड़की जो एनरिचमेंट संभालती है। पहले मैं करती थी एनरिचमेंट ट्रेनिंग वगैरह बेसिक जो मैं कर पाती थी डॉग्स के लिए, क्योंकि फिर उन्हें अडॉप्ट कराना होता है तो उनके बिहेवियर पे थोड़ा सा हम काम करते हैं कि बेसिक चीज़ें सीख जाएँ, वो घर में रहना सीख जाएँ, सिट वगैरह और जैसे पूप वगैरह बाहर जाके करें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं। बाकी डॉग्स भी अंदर कैनल में बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, तो जो डॉग्स एकदम अच्छे से ठीक हो जाते हैं फिर उनको हम बाहर निकालते हैं बारी बारी ना, फर्स्ट हाफ में मतलब लंच से पहले पहले हम कोशिश करते हैं उनकी थोड़ी एनरिचमेंट हो जाए। तो ये वाला एरिया यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है उनकी। वो चूचू है जी, वो मुर्गा जो है ठीक है, ये रेस्क्यूड है। ओके। खतरनाक मुर्गा है ये ना, सबके साथ लड़ाई करता है। तो और भी मुर्गे हैं रेस्क्यूड हमारे पास, लेकिन हमने इसको थोड़ा अलग ही रखा है क्योंकि इनकी इसकी बनती है दूसरों के साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो बीच में कोशिश की थी हमने इसको कि रल मिल के रह ले, पर नहीं होता, या तो ये जख्मी हो जाता है या वो जख्मी हो जाता है। फिर हमने इसका कमरा अलग ही रखा है, यहीं पे रहता है ये। तो कभी दिन के टाइम हम इसे वहाँ निकाल लेते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि डॉग्स वगैरह होते हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान ही रखते हैं कि ये ज़्यादा मतलब उस टाइम बाहर आया अगर डॉग हुए तो फिर तो ये
खत्म ही है तो हाँ जी, तो अदरवाइज ये हमारा प्ले एरिया है डॉग्स का। हाँ जी, तो यहाँ पे बारी बारी कुत्तों को निकालते हैं और यहाँ पे होती है नीचे, और बीच में मक्की मुक्की भी है, हल्दी भी लगाई हुई है हमने। तो बाकी तो जो भी हमारा मतलब निकलता है, फ्रूट्स हो गए चाहे वेजिटेबल्स हो गए, वो हमारी अपनी जो स्टाफ अंदर रहता है उनकी कंजम्पशन के लिए है। बाकी फिर हम क्या करते हैं कि बेचने के लिए हमने फिर पीपल फार्म प्रोडक्ट्स भी शुरू किया, वो इसलिए कि क्योंकि शिवानी के दो तीन उसके लिए वो थे कि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट रहे, हमारी जो जैसे हम रेस्क्यू करते हैं और क्या बोलते हैं जैसे उसके लिए भी फंडिंग की तो ज़रूरत है ना, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम जनरेट खुद ही कर पाए, प्रोडक्ट से हम फंड जनरेट कर लेते हैं, तो क्योंकि डोनेशंस पे हम निर्भर नहीं रहते फिर ना। हाँ, तो वो होता है तो हम फिर अपना थोड़ी फंडिंग खुद ही जनरेट करते रहते हैं, और फिर हम वीगन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, खाने पीने वाली चीज़ें भी बनाते हैं, और जैसे हाथ के कंगन वंगन हो गए, अब वो क्या है कि जैसे जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो नेचुरल तरीके से हम बनाते हैं कि पत्ते गिर गए उसके सूख के, उनको उबाल के सुखा देते हैं फिर औरतों के पहनने वाले, तो फैशन भी हो गया, सस्टेनेबिलिटी भी हो गई और नेचुरल भी हो गया, और वो है कि चलो फैशन भी ज़रूरी है अभी। हाँ, लेकिन वही है कि माइंडफुल होके, तो हम लोग फिर इस तरह की चीज़ें बनाते हैं ताकि जिन लोगों को सोबर आइटम्स पसंद आती हैं और जो कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तरह से फिर वो ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, उससे हमें भी फंडिंग आती है, और दूसरी बात ये कि हम फिर वीगनिज्म भी प्रमोट करवाते हैं, हम जो भी वीगन फूड आइटम्स बनाते हैं, तो अब शहरों में ऐसा होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि घर में ही टोफू बनाएं या फिर पीनट बटर बनाएं, तो फिर लोग क्या करते हैं कि हमें ऑर्डर कर देते हैं, हम उनको भेज देते हैं बना के, उससे क्या कि हमारा भी चल रहा है, गांव की औरतों को भी वही रोजगार मिल गया। डिलीवरी आप खुद करते हो? हाँ जी, डिलीवरी हमने ना अमेज़न के साथ वो अपनी रखी हुई है, तो अब वो अमेज़न पे भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो हम जैसे इंडिया पोस्ट के थ्रू पार्सल कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। हाँ जी, तो उससे क्या कि हमारी फंडिंग भी हो रही है, दो तीन चीज़ें हो रही है, एक वीगनिज्म प्रमोट कर पा रहे हैं, दूसरा है कि गाँव लेते हैं पनीरी लगा ली, कुछ लगा लिया कि चलो जितना वेस्टेज हम कम कर पाए उतना उतना अच्छा है। कुछ बड़े सुंदर एंगल लगे हैं अभी। पीछे हमारे बीच में गन्ने भी लगे थे, तो हम शुगर केन का भी ऐसे जूस वगैरह बना के पी लेते हैं, फिर थोड़ा सा गुड़ बना लिया ऐसा कर लेते हैं, बीच में हल्दी, यहाँ पे भी हल्दी हुल्दी लगी हुई है, अब हल्दी का तो ऐसा कि जी उखाड़नी पड़ती है, तो चलो अब कर लेते हैं। फिर ये पराल डाली हुई है, तो फिर कोशिश करते हैं कि जितना मतलब हम लोग नुकसान कम पहुंचा सके, कीड़ों कीड़ों को भी इतना कर लेते हैं। आइए जी, ये हमने जो लगाई है ये ना, ये लार्ज एनिमल्स के लिए जो फ्रेश चारा है, ये पूरा पड़ता नहीं है वैसे, हमें और मंगवाना ही पड़ता है बाहर से, पर जितना हम खुद लगा पाते हैं, हाँ जितना हो सके हम अपनी लैंड पे लगा लेते हैं। ये भी भैया हमारे, ये हमारी फार्मिंग में हेल्प करते हैं, ये गौ सेवा परिवार से आए हैं, नमस्कार, पंजाब से आए हैं सारे। तो ये वाले भी जो घर है ना, ये बस इन्हीं का थोड़ा सा वही फैंसी वर्जन है, वो उनको हम मड हाउस बोलते हैं और इनको हम बंगलोस बोल देते हैं, ये ज्यादा कश्मीर में होते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा थोड़ा आर्किटेक्चरली थोड़ा सा देखने में ब्यूटीफुल, बीच वाला घर मेरा है, वहाँ पे ज्योति रहती है हमारी, जो मैंने आपको बताया एनिमल वेलफेयर मैनेजर, वहाँ पे सलोनी रहती है। आइए, बस यहाँ पे जैसे कोई गेट टुगेदर हो गया छोटा मोटा, कोई मीटिंग हो गई, तो यहाँ पे जाती है। अब जैसे पिछले साल दुशहरे के टाइम हमने एक छोटी सी रॉबिन ने पार्टी कर ली थी, पार्टी में जैसे मतलब खाना खूना हो गया, लंच डिनर वगैरह, तो सबको बुलाया था, नेचुरली चीजें सब बहुत बड़ी चीजें हैं, नेचुरली बने हुए हैं बिल्कुल। बैम्बू तो ना जैसे पूरे गांव में कहीं कहीं आपको पैचेस में ऐसे ना बैम्बू मिल जाएगा। हाँ, इधर तो मिल जाएगा, धर्मशाला में ना, कांगड़ा और धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है। हाँ, इधर ज्यादा जहाँ थोड़ी बारिशें ज्यादा होती है वहाँ पे मिल जाता है, तो धर्मशाला में तो वैसी बड़ी बारिश होती है, हम तो मतलब जैसे ना तंग आ जाते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है, पर गर्मी भी होती है वैसे, गर्मियों में ना गर्मी भी काफी होती है, बट ज्यादा फील नहीं होती होगी यहाँ पे।
होती है जी। ये धर्मशाला से ना ये वाला एरिया जो है थोड़ा शाहपुर में आ जाता है ये एरिया ना, ये थोड़ा प्लेन में आ जाता है। धर्मशाला थोड़ी सी हाइट पे, तो वहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, यहाँ पे गर्मियों में तो होती है गर्मी। सांप सूप भी निकल जाते हैं कभी कभी। हमने देखा होटल में एसी वगैरह तो लगे नहीं, नहीं लगे जी। हाँ एसी नहीं लगे। अंदर हमारे स्टाफ क्वार्टर है, वैसे ये थोड़े दो स्टाफ फैमिली क्वार्टर्स हैं। एक तो दौलत राम जी और उनका परिवार यहाँ रहता है, साथ ही में एक बिंद्रेश भाई है उनका परिवार यहाँ रहता है। ये थोड़े फैमिली टाइप के क्वार्टर बने हैं। ये हमारा जी पॉली हाउस है, तो कुछ चीजें जो हम उधर बाहर नहीं उगा सकते, थोड़ा सा कंट्रोल टेम्परेचर में उग जाती है, अंदर थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है। ये जी हमारा दूसरा एनिमल एरिया है, तो ये सारे ये चंद्रकांत है, इनके घोड़ों के बेचारों के बुरे हाल है। इतना काम करवाया जाता है ना इनसे सड़कों पे, फिर जब बेचारे बूढ़े हो जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है इनको। तो घोड़े वगैरह खच्चर वगैरह तो हमने पास ही अपने यहीं पे परमानेंटली रख लिए हैं कि बेचारों को अब खाना ना ढूंढना पड़े। तो ये छोटे से इनके लिए ग्राउंड भी है, अंदर और भी है हमारे ना, बैल भी है, गाय वगैरह भी है। टोफू अंदर ही है, टोफू आपको अंदर ही मिलेगी। तो ये चाचू है, ये चरणदास है, वो चंद्रकांत है। ये भी है नया है क्या? ये घोड़े वगैरह नहीं है, तो पुराने ही है। पहले ये जो मैंने आपको वो वाला एरिया दिखाया वहाँ रहते थे। अच्छा। फिर अभी क्योंकि स्पेस की थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें, तो अब यहाँ पे देखो बैम्बू से ना खड़े करके हम ना एक छोटा सा ऐसे शेड जैसा बना रहे हैं ताकि इनके लिए ठीक हो जाए। फिर ये यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी, तो ये भी हमारा दूसरा शेड है, काउ शेड ना। यहाँ अंदर हमारे रेस्क्यूड मुर्गे हैं, आज अंदर ही कूप के अंदर, पता नहीं खोला नहीं इनको शायद किसी ने ना। जी, नहीं तो अमरप्रीत अकबर एंथनी किटकिट वगैरह इधर होते हैं, वो अंदर अपने रूम में अभी ना, वो खोलते हैं फिर ये बाहर उधर आ जाते हैं। ठीक है। हाँ वो भी सारे रेस्क्यूड, पीछे हमारा चलता है कॉम्पोस्ट वगैरह का काम ना। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो ये बोतलों की दीवार बना दी थी क्योंकि लोग ऐसे ना टूरिस्ट वगैरह आते हैं ऐसे अल्कोहल वगैरह पी के छोड़ देते हैं बॉटल खराब, तो फिर वो सब कट्ठी की हमने उसको फिर हमने कंस्ट्रक्शन में लगा दी, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें कुछ, वेस्ट ना हो। देखो इंजेक्शन छोड़ के गए। ये भी हमारा काउ शेड नंबर 2 है। आ जाओ, ये टोफू है। प्रोडक्ट्स फिर हम लोग का जैसे काउ डंग के दिया वगैरह बनाते हैं जो सस्टेनेबल भी है। हाँ, बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं 100%, और चलो लोगों का शौक भी पूरा हो जाता है दिवाली मनाने का। हाँ जी हाँ। तो फिर उसके दिए के साथ हम लोग बत्ती भी भेजते हैं, तो बत्ती फिर यही कॉटन जो हमारी निकलती है, नर्मा जो हमारी कॉटन निकलती है फार्म की, उससे बत्तियाँ भी बना देते हैं हम, फिर वो साथ में भेजते हैं। उपले भी बेचते हैं हम। यहाँ जी आगे हमारी किचन / डाइनिंग एरिया है। अच्छा। हाँ जी, ये हमारा चूल्हा एरिया है। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे हमारा भी खाना बनता है, कुछ हमारे प्रोडक्ट्स इधर बनते हैं। मैं आपको बता रही हूँ पीपल फार्म प्रोडक्ट्स करके हमारा एक है। ओके मैम। तो ऊपर हमारी पैकेजिंग वगैरह हो जाती है। हाँ जी, ऊपर एक ना कम्बुचा भी बनाते हैं हम। तो रॉबिन क्या है कि पहले वो एक जैसे फर्मेंटेड सी ड्रिंक होती है, चाय से बनती है वो ना, तो वो पेट के लिए अच्छी होती है, प्रोबायोटिक होती है, तो उसमें कल्चर वगैरह ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल होता है, तो उसको बड़े दिन रखना पड़ता है फिर जाके वो ड्रिंक बनती है चाय की ना, तो वो ऊपर बनती है उसके लिए, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर गर्म चाहिए, तो वो भी हमारी बड़ी बिकती है, लोग पसंद करते हैं वो। तो वो ऊपर वो है, ऊपर पैकेजिंग रूम है, बाकी खाना वाना हमारे यहाँ चूल्हे वूल्हे पे बन जाता है। तो ये चलता है हमारा काम। आइए मैं आपको ऑफिस वाली साइड भी एक बार दिखाती हूँ। ये हमारा कम्युनिकेशन वाला ऑफिस है पूरा, जैसे पूरा मीडिया ऑफिस है, ये हमारी टीम लगी है काम करने, तो आप जो वीडियोस वगैरह देखते हो यहाँ पे एडिट वगैरह होती है, ये पे बनती है। ये अनिरुद्ध जी है, यहाँ से वॉलंटियर कर रहे हैं। ये हमारी दीदी है पीपल फार्म प्रोडक्ट्स की, तो ये हमारे दिए बन रहे हैं इस बार दिवाली के ना। ये हमारी ग्राफिक डिजाइनर है,
और हमारे फिल्म मेकर हैं। ये भी हमारे फिल्म मेकर है तुषार। ये चैतन्य है। सारे हमारे फिल्म मेकर्स की टीम है। अमन बहुत सेवा परिवार से आए तो अर्पण जी कहाँ गए? अर्पण जी यहाँ पे। हम आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा जी।